ऊंची आवाज में हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपोस्टल जी आपने भविष्यवाणी की थी एक, और आप फायर प्रे में भी आपने भविष्यवाणी की कि मैं एक सिस्टर को देख रहा हूँ, आपका रंग गोरा है, आपके तीखे नैन नक्श हैं, और आपने बोला था कि आपको ऐसा लगता है कि आप पागल हो जाएंगी, और आप किसी को भी ये नहीं बताती चीज, लेकिन एकदम से अटैक होता है। अपोस्टल ये बहन कहते हैं कि 1.5 साल से अटैक होता है और ये जनरेशनली अटैक हो रहा है, पहले मासी पागल हो गई इसी तरह से, मैं देख रहा हूँ नानी, हाँ उसके मैंने जो बोलते हैं कि पेका परिवार जो मदर मैटरनल है जो आ जाओ धागे तभी से तुम तोड़ते हैं, इनकी आवाज स्टेज पर स्लो करो, इन सब की छोड़ते हैं, परमेश्वर का आत्मा करे तुम आज आजाद हो रही हो, टोटल फ्री हो रही हो, और तुम्हें आज से आनंदित रहना है, क्योंकि जो तुम्हारे परिवार के साथ हुआ प्रभु मुझे yes. बता रहा है वो तुम्हारे साथ नहीं होगा, yes, amen. बिल्कुल 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 भी नहीं होगा, yes, amen. और सुनो सुनो मेरी बात, सुनो इधर, तुमको गुस्सा नहीं करना है, ओके जी पापा जी, नहीं तो शैतान जो है वो तरीके ढूंढते हैं कि आपके परिवार का जो मसाला है वो आपको कैसे देना है, तो उसको तरीका मैंने बता दिया, उसको नहीं देना है, ओके ओके okay, और खासकर जो आपके परिवार है, आपके जो कहाँ है आपके हस्बैंड या कौन है आपके परिवार में, यहाँ यहाँ सिस्टर आई है मेरे साथ, आपने वैसे आपके परिवार में कौन है, हस्बैंड है या हस्बैंड बच्चे है, बच्चा है एक बेटा, ओके okay, गुस्सा नहीं करना है, हाँ जी ओके okay, देखना भी क्या होता है, बी फ्री, लीव लीव इन जीसस ने, लीव इस परिवार को छोड़, इसकी लाइफ को छोड़, सदा के लिए ये फ्री है इन जीसस ने, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, यीशु मसीह तेरा लहू, बी फ्री, थैंक यू लॉर्ड, यीशु मसीह, जब परमेश्वर आपको प्रोफेसी गिफ्ट देता है आपको फेसबुक की जरूरत नहीं, आपको स्पिरिट की जरूरत है, बी फ्री, थैंक यू लॉर्ड, इन जीसस नेम, सदा के लिए फ्री, तेरा कोई अधिकार नहीं, इन जीसस नेम, तुम फ्री हो यीशु मसीह के नाम, और अपोस्टल जी की गवाही ये भी दामन धोता है, सब कुछ क्या टेस्टिमनी, अपोस्टल ये बहन कहते हैं कि पिछले 6 महीने से इनके सिर में जो ऐसे लगता जैसे नाड़ियां फट जाएंगी, ऐसे कहते दर्द था भयंकर, और कहते कुछ भी खा नहीं सकते थे, उसकी वजह से इनका मुंह भी जुबान भी बंद हो गई थी, लेकिन आज खुदा के आत्मा ने छुआ और ये बहन पूरी तरह से उस दिमागी हेमरेज से आज पूरी तरह से फ्री है, छिपाती है। जब आपकी लाइफ में कुछ सिकनेस आती है ना, तो ये आपकी नेचर को चेंज कर देती है, आपका स्वभाव चेंज हो जाता है, अब आप सुनो, अब आपका स्वभाव फिर से मीठा होने वाला आपका, देखना आमीन, अब फिर से हंसेंगे, देख यीशु मसीह तेरा लहू, यीशु मसीह तेरा लहू, जल्दी जल्दी में टेस्टिमनी हम दे देते हैं, लेकिन जब उस पेशेंट को हम साल बाद देखते हैं और उसकी टेस्टिमनी सुनते हैं कि हो क्या इसकी लाइफ का प्रॉब्लम क्या था, हैरानी होती परमेश्वर जो कर रहे हैं, तारीफ करो जोर से। अपोस्टल जी ये भाई फर्स्ट टाइम पहली बार चर्च में आए हैं, और 4 साल पहले ये भाई 14 फुट की ऊंचाई पे छत पे काम कर रहे थे, वहां से गिरे थे, और इनकी रीढ़ की हड्डी के जो मनके थे, रीढ़ की हड्डी भी टेढ़ी हो गई थी और मनके भी पूरी तरह से दब चुके थे, और 4 साल से इस बेल्ट को पूरा जकड़ के इनके कंधों के ऊपर लगाया हुआ था डॉक्टर ने, लेकिन आज पहली बार चर्च में आए, जैसे आपने प्रेयर की उसके बाद ये भाई 4 साल पुराने उस रोग से इस बेल्ट से हील हो चुके हैं, तारीफ करो जोर से, नेक्स्ट टेस्टिमनी जल्दी जल्दी। अपोस्टल जी आपने जैसे बोला कि परमेश्वर आपके बोन्स को छुए और हर रोग बाहर निकले, और ये भाई आज फर्स्ट टाइम आए अपोस्टल जी पहली बार, और कहते हैं चलो चलो जो नहीं कर सकते सारे चलते थे, लेकिन आज खुदा के आत्मा ने छुआ
और हर शर्मिंदगी को साइड पे करके ये भाई चल पाए। चलो चलो तारीफ करते जाओ जोर जोर से। छोड़ जाती है। मुझे जल्दी से ले हैंड में जाना है, जल्दी सुनो मेरी बात। ले हैंड वाले लोग, आज 500 लोग आए ले हैंड के लिए, सुनो मेरी बात। मैं आपको ऐसे लोग दिखा सकता हूं जो परमेश्वर में नहीं है और भविष्यवाणी करते हैं। आपको इंटरनेट पे वीडियोस मिल जाएंगी उनकी। बात हीलिंग की या प्रोफेटिक की नहीं, बात यह कि किस स्पिरिट से काम हो रहा है। जब आप हीलिंग खरीदते हैं तो ही पास्टर्स बेचते हैं, क्योंकि आप खरीदते हैं। आप 25,000 की खरीदते हैं तो वो बेचते हैं, और जब आप हीलिंग खरीदते हैं वो आप बीज नहीं बो रहे हो, आप हीलिंग खरीद रहे हो। वो परमेश्वर के राज में आपका पैसा नहीं जा रहा, आपने उसे बाय किया है, आपने उसे खरीदा है, और बेचने वाले ने उसे बेचा है। उसने बेचा है हीलिंग को और खरीदा है बीमारी को। वो पास्टर याद रखे, वो बीज नहीं है, वो है क्या है, वो बाय की है चंगाई। एक बंदे मेरे पास चंगाई का गिफ्ट है, मैं 1,00,000 में हीलिंग बेच सकता हूं और हीलिंग होगी क्योंकि मेरे पास वरदान है। पर तुम लोग हीलिंग बाय कर रहे हो, तुम खरीद रहे हो, तुम बो नहीं रहे हो। वो पैसा बोने में नहीं जा रहा, तुम खरीद रहे हो। और पास्टर बेच रहा है हीलिंग को और क्या खरीद रहा है, बीमारी को। और ये चीजें जब इकट्ठी हो जाती है, ये 5-10 साल बाद मार देती है पास्टर्स को, डेथ हो जाती है। और लोगों को मालूम नहीं, नए नए लोगों को जल्दी सक्सेसफुल होना है, जल्दी सक्सेसफुल होके मरना है कि लॉन्ग टाइम चलना है। तो मैंने ये फैसला किया कि ये चर्च में वेटिंग होती, लोग सोचते कि हमें कहीं से भी ले हैंड करवा ले, जो भी चर्च में, इस चर्च में वेटिंग चल रही। 54,000 लोगों का फॉर्म अभी वेटिंग में है, 54,000 जिन्होंने ले हैंड करवाना है। आज 500 लोग आए हैं, किसी से कोई पैसा नहीं लिया, सब फ्री में आए। संडे मॉर्निंग भी ऐसा ही होगा, संडे इवनिंग। मेरी पूरी कोशिश है, इस हॉल को पीछे हम और लंबा कर रहे हैं और बड़ा कर रहे हैं कि 1,000, 1,500, 2,000 हर संडे, हर थर्सडे लोग ले हैंड करिए, अपने रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, उनका नंबर आए और फ्री में ले हैंड हो। जब आप बीज बोते हैं वो एक अलग चीज है, आपको बुलाया जाता है बीज बोना है क्योंकि चर्च का काम है, वो एक अलग चीज है। हीलिंग बेचना एक अलग चीज है। और जो लोग हीलिंग खरीद रहे हैं वो पास्टर्स का जो नशा करने वाली आदत है उसको भी खरीद रहे हैं, व्यभिचार को भी खरीद रहे हैं। आप नहीं जानते, किसी गलत व्यक्ति से ले हैंड करवा के आप सिर्फ ले हैंड नहीं करवा रहे हो, हीलिंग नहीं ले रहे हो, अगर वो व्यभिचारी है आप उसका व्यभिचार भी ले रहे हो। मैंने देखा लोगों को कंप्लेंट करते हुए कि हमने हीलिंग तो ले ली लेकिन हमारी लाइफ में व्यभिचार है, हमारा व्यभिचार करने को दिल करता है, हमारा हम फ्री नहीं है, हम पवित्रता में नहीं चल पा रहे। हर जगह अगर ले हैंड करवाओगे आप पवित्रता में नहीं जी पाओगे, क्योंकि वो साथ में आपको स्पिरिट भी देता है अपनी। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा, मूसा मैं तुम में से आत्मा लेकर 70 लोगों में संवाद दूंगा और जो तुम काम करते थे 70 लोग किया करेंगे। कौन सा आत्मा आप ले रहे हो ले हैंड के टाइम? ये मेरा सिर देख लो, इसे कैमरा में दिखा दो, ऐसे उंगलियों पे लोग हैं जिन्होंने इस सिर पे हाथ रखा है। मैं कईयों से मिलता हूं लेकिन किसी का हाथ इस सिर पर नहीं रखाता। हालेलुया। क्योंकि वो स्पिरिट भी आप ले रहे हो, वो अगर पास्टर नशा करता है उसके नशे की आदत भी ले रहे हो। अपोस्टल जी, ब्रांचेस से भी टेस्टिमनीज आ रही, गुरदासपुर ब्रांच से, सिस्टर आरती कुमारी गुरदासपुर ब्रांच से, ये बहन कहते हैं कि पिछले 17 दिनों से लगातार पेट में दर्द था और इन्फेक्शन बढ़ गई थी, 5-5 मिनट बाद लिक्विड की तरह इन्हें टॉयलेट आती थी और बड़े बीमारी में थे, लेकिन आज खुदा के आत्मा ने छुआ, मांस का टुकड़ा इस बहन के बाहर आया, वॉशरूम गए, सारा इन्फेक्शन बाहर आया, गंदे पदार्थ बाहर आए और पूरी तरह से फ्री है। तारीफ करो जोर से। सिस्टर मिंदो फिरोजपुर ब्रांच से, सिस्टर मिंदो, 5 साल पहले इस बहन को पैरालाइज का अटैक हुआ था, लेफ्ट साइड पूरी तरह से रुकी थी और चल नहीं पा रहे थे, 20 डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन आज खुदा के आत्मा ने छुआ, बिना किसी सहारे के व्हीलचेयर को छोड़कर ये उठ बैठ पा रहे, अपने बाजू हिला पा रहे। तारीफ करो जोर से। पटियाला ब्रांच से अपोस्टल जी, सिस्टर निशा की टेस्टिमनी, जे 2 महीने पहले इनका भी एक्सीडेंट हुआ था और राइट पैर जो है 2 जगह से टूट गया था, और ये कहते टॉयलेट बाथरूम पूरी तरह से फैमिली के सहारे था, लेकिन आज शर्मिंदगी को छोड़ा, सहारों को छोड़कर
ये बहन पटियाला ब्रांच में पूरी तरह चल पा जोर से नेक्स्ट जल्दी से अपोस्टल जी ये भाई उड़ीसा से आज फर्स्ट टाइम पहली बार चर्च में आए हैं और 3 साल पहले इनका पैरालाइज होने के कारण इनकी बॉडी जो राइट साइड से पूरी तरह से रुक गई थी एक कदम भी ये भाई खुद बता रहे कि मैं एक कदम भी चल नहीं पाता था आज उठा के इनको चर्च में लाए हैं और जैसे ही आपने प्रेयर की उड़ीसा से आज पहली बार चर्च में और 3 साल के बाद आज ये भाई पूरी तरह से हील है चल पा रहे हैं किसी इनको सहारे की जरूरत नहीं है पूरी तरह से हील है जीसस बीमारियां छोड़ जाती है तुम जी उठोगे आज आमीन ऊंचा चाहिए बीमारियां छोड़ जाती है कमजोरियां मुझ पाती है हड्डियों में जाना चाहती है हड्डियों में जाना चाहती है दिल का सकूं होता है सब कुछ होता है लहू जब धोता है सब कुछ होता है लहू जब धोता है यीशु मसीह तेरा लहू यीशु मसीह तेरा लहू दाए धोता है एक बार जोर से हालेलुया बोलो जोर से अब बस यही ये भी अमेजिंग टेस्टिमनी है भाई आज फर्स्ट टाइम आए और 1 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था और हड्डी टूट गई थी कहते हैं किट्टे के और शिकंजे के सारे चलते हैं पहली बार है पहली बार में यीशु ने छुआ शिकंजे को छोड़ के ये भाई चल पा रहे तारीफ करो जोर से जोर से ये बहन भी मध्य प्रदेश से आज पहली बार चर्च में आए हैं मध्य प्रदेश से पौसली पहली बार आए हैं और 3 साल से इनके गले के अंदर एक बहुत बड़ी रसौली थी और डॉक्टर के पास भी गए डॉक्टर ने भी श्योर कर दिया था कि ये रसौली या ऑपरेशन के बिना इसका कोई हल नहीं है लेकिन आज जैसे ही आपने प्रेयर की और जो अनॉइंटिंग ऑयल दिया इन्होंने गले के ऊपर विश्वास के साथ लगाया और उसके बाद चेक करके देखा वो रसौली बिल्कुल भी नहीं है वो पूरी तरह से इनका गला क्लीन और साफ हो चुका है पौसल जी कितने लोग हैं जो कर्जे के नीचे हैं हाथ उठाना